तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं गूगल एडसेंस के जुलाई 2024 के अपडेट के बारे में बात करूंगा, जिससे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में। यहाँ पे पढ़ सकते हो आप अपडेटिंग द डायनेमिक कंटेंट एंड पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज। तो हाँ, ये जो रूल है ये गूगल एडसेंस के लिए भी लागू होगा और आपका गूगल एड मैनेजर के लिए भी लागू होगा। दोनों में सेम मैसेजेस आए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है ये क्या चीज, तो अगर आप एक पब्लिशर हैं तो आपके लिए तो ये फायदेमंद है, लेकिन अगर आप एक यूजर हैं तो थोड़ा सा आपके लिए एक इरिटेशन वाली बात हो जाएगी। वो कैसे, मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए, इन जुलाई 2024 गूगल विल मेक अ हैंडफुल ऑफ अपडेट टू अवर पॉलिसी एंड प्रोवाइड बेटर क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ अवर पब्लिशर पार्टनर्स। देखिए, नीचे आप आएंगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, गूगल विल रिप्लेस द एड्स ऑन डायनेमिक कंटेंट एड मोब एंड एडसेंस प्रोग्राम विद अ न्यू एड्स इन प्राइवेट कम्युनिटीज पॉलिसीज। द चेंज विल प्रोवाइड क्लियरिटी टू पब्लिशर बाई एक्सप्लेनिंग दैट एड आर प्रोहिबिटेड ऑफ स्क्रीन वेयर द प्राइमरी फोकस इज अ प्राइवेट कम्युनिकेशन लाइक डायरेक्ट मैसेज, लाइव चैट्स, वीडियो चैट्स एंड प्राइवेट चैट रूम्स पर गूगल एड मैनेजर पार्टनर गाइडलाइन। दीज पॉलिसीज आर अप्लाइड टू गूगल एड मैनेजर पार्टनर वेन डिस्प्लेइंग गूगल एड्स ऑन साइट एंड एप्स ओपन ऑशन। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट करता था कोई पब्लिशर, तो जैसे कि गूगल में करता था, किसी ऐप में करता था, लेकिन वो पर्सनल जो आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से चैट कर रहे हो, वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप चैट कर रहे हो, वहाँ पे वीडियो कॉल कर रहे हो या किसी मैसेंजर ऐप में कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये एड्स वगैरह नहीं शो होते थे। लेकिन अब जो होगा ना, आपकी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए क्या करेगी, जो भी पब्लिशर एड चला रहे हैं, तो अब जो भी आप प्राइवेट कम्युनिकेशन, जो यूजर प्राइवेट कम्युनिकेशन कर रहा है, चाहे व्हाट्सएप पे हो, किसी मैसेंजर्स पे हो, वीडियो कॉल पे बात कर रहा हो, तो वहां भी उसको एड्स शो होंगे। तो ये एक यूजर के लिए हो सकता है इरिटेशन वाली बात, लेकिन एक पब्लिशर के लिए एक कह सकते हो कि वो जहां पे उसको मेन चाहिए, जो भी टारगेट ऑडियंस चाहिए, वो उसको मिल जाएगी इजीली वे में। दूसरा, इसने एडिशनल क्या किया है कि जो भी यहाँ पे पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग थी ना, जैसे कि आप कह सकते हो कभी भी आप गूगल में कुछ सर्च करते थे, उसके बाद आपको क्या आने लगता था, मैसेजेस आने लगते थे, ठीक है, तो यानी उसको कहते हैं पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग। तो वो जो थी ना, उसको भी गूगल अपडेट करने वाला है, कह सकते हो गूगल एडसेंस अपडेट करने वाला है और उसको भी न्यू पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग में बदल देगा। तो उसमें कुछ चेंजेस करेगा, इसने इस बारे में नहीं बताया कि इसमें क्या चेंजेस करेगा, लेकिन इसने ये जरूर बता दिया है कि जो भी अब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, वो आप कह सकते हो कि आप प्राइवेट कम्युनिकेशन के दौरान वहां भी आपको एड शो होंगी। तो एक यूजर के लिए इरिटेशन वाली बात हो सकती है, लेकिन एक जो पब्लिशर है उसके लिए फायदेमंद वाली बात है। तो कैसी लगी ये अपडेट, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक SEO एक्सपर्ट हूं और साथ ही साथ मैं एक PR एजेंसी भी रन करता हूं। तो अगर आपको अपना आर्टिकल न्यूज साइट में पब्लिश करवाना है, तो उसके लिए आप हमें नीचे दिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज SEO के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं क्रिएट करता हूं विकिपीडिया पेज, नॉलेज पैनल और तमाम सारी चीज़ें, जैसे बुक पब्लिशिंग हो गई, सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये सारी सर्विसेज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें नीचे दिए हुए नंबर पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।